हेडिंग देंगे एंडोर्समेंट ऑफ बिल। स्टूडेंट्स एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना सब लोग, मेरे को देखना पहले। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है कि सपोज करो मैंने प्राची के ऊपर बिल लिखा है और ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे रुत्वी को भी पैसा देना है, ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे रुत्वी को भी पैसा देना है, तो मैंने क्या किया, जो प्राची वाला बिल था वो किसको दे दिया, मैंने रुत्वी को दे दिया। अब मेच्योरिटी पे रुत्वी जाके प्राची से पैसा कलेक्ट करेगी, मैं नहीं जाऊंगा, इसको हम लोग कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। कैश की जगह बिल दे दिया, इन शॉर्ट मुझे रुत्वी को पैसा देना था, उसकी जगह रुत्वी को मैंने बिल दे दिया और मैंने रुत्वी को बोल दिया कि मैच्योरिटी पे जाके आप प्राची से पैसा कलेक्ट कर लीजिए। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोग, सब लिखेंगे बच्चों, सब लोग लिखेंगे बेटा। ऑन 1/1/21 Raj sold goods of rupees 10,000 to Ram. Full stop. On the same day, Raj drew bill on Ram, which he accepted and returned. Full stop. On 4/1/21, Raj endorsed this bill to Janam against rupees 10,100. Full stop. Duration of the bill was of 3 months. Duration of the bill was of 3 months. Full stop. On maturity, bill was made. Sir, what bill was? On maturity, bill was met. मतलब payment हो गया bill का. अब पहले घर पे हो. Students, अब है ना यहाँ पे तीन parties हैं. Correct हो बच्चों में? कौन से तीन parties हैं बेटा? राम और जय. ठीक है ना? तो हमको तीनों parties के entries लिखनी पड़ेगी. बच्चों, ये ऊपर मैंने heading दिया. In the books of Raj, particular LF, debit rupees, credit rupees. In the books of Raj. बच्चों ध्यान से, हम डेट पर्टिक्यूलर एलएफ डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस, अब यहां पे इन द बुक्स ऑफ जैन बताओ चार्ज नहीं होगा, बदल हो चलो। अब किसने किसको गुड्स बेचे बच्चों? राज सोल्ड करा तो राम अपॉन डेबिट टू कौन सी डेट पे बेटा? 1/1/21 राज ने राम को गुड्स बेचे बेटा, तो राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स।
कितने के पूछे बच्चा 10,000 अब यही राम के लिए क्या हो जाएगा बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू राज 10,000 बच्चों फर्स्ट एंट्री दोनों में क्लियर बेटा अब इसी डेट पे राज ने राम के ऊपर बिल लिखा है सेम डेट राज ने बिल लिखा बेटा क्या एंट्री करेगा राज बोलो तो टू राम 10,000 राम एंट्री क्या करेगा बेटा राज अकाउंट डेबिट टू बिल स्टेटर 10,000 यहां तो क्लियर बेटा बच्चों 3 महीने का बिल है 1,121 3 महीना मतलब 1,421 3 दिन एक्स्ट्रा 4,421 ये हो गया हमारी बिल की मैच्योरिटी डेट मैच्योरिटी डेट से पहले ही राज ने क्या किया बेटा ये बिल किसको दे दिया जैनम को लेकिन जैनम को देना कितना था बेटा 10,100 रुपया कौन सी डेट पे जैनम को बिल दिया 4/21 बेटा ध्यान से समझना जैनम इज द रिसीवर जैनम अकाउंट डेबिट 10,100 टू हमने बिल दिया हमारा बिल गया टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 100 रुपया हमने कम दिया तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपया क्लियर बेटा सब लोगों को मेरे को एक्चुअली जैनम को देना था 10,100 रुपया लेकिन मैंने उसके सामने जैनम को बिल कितने का दिया बेटा सिर्फ 10,000 तो 100 रुपया मेरे लिए क्या हो गया डिस्काउंट हो गया तो मेरे को जैनम को देना है बिल तो जैनम इज द रिसीवर है इसलिए जैनम अकाउंट डेबिटेड 10,100 टू क्या दिया मैंने जैनम को बिल दिया तो टू बिल रिसीवेबल 10,000 100 रुपया कम दिया वो मेरे लिए फायदा डिस्काउंट रिसीव 100 मैं कह रहा हूँ बच्चों सबको बेटा यहाँ तक अब इस डेट पे हाँ 10,100 के सामने आपने 10,000 दिया बेटा तो 100 रुपया बाकी नहीं रखेगा वो सामने वाला वो 100 रुपए डिस्काउंट हो गया अब इस डेट पे जैनम एंट्री क्या करेगा बच्चों ध्यान से समझना जैनम के पास बिल आया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 10,000 100 रुपए जैनम ने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 100 रुपया टू कहां से बिल आया हु इज द गिवर राज 10,100 एंट्री दोनों जगह पे क्लियर बेटा सबको कोई कंफ्यूजन किसी को चार बच्चों आगे बढ़ो इस डेट पे राम एंट्री अच्छा किसी को डाउट है बेटा किसको डाउट है सर वो जैनम में सर क्या एंट्री समझ नहीं आया देखो बेटा जैनम के पास बिल आया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 10,000 ओके 100 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया क्योंकि 100 रुपए कम मिला उसको तो उसके लिए लॉस है इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 100 रुपए टू हु इज द गिवर राज इज द गिवर तो टू राज 10,100 ओके राम ओके सर ठीक है सर हां बेटा सर हम लोग ये जो जो 100 रुपीज जो आप बोल रहे हो ना डिस्काउंट का उसको हम इंटरेस्ट बोल सकते हैं क्या नहीं इंटरेस्ट अलग चीज होती है बेटा इंटरेस्ट कब आता है कि जब आप पेमेंट लेट करो मतलब जो मैच्योरिटी है मैच्योरिटी से जब लेट पेमेंट हो तब तब वो इंटरेस्ट आता है बेटा यहाँ पे आपने 100 रुपए उनसे कम लिया बिल के भले आपने बिल लिया लेकिन वो बिल में 100 रुपए कम लिया तो वो डिस्काउंट हो जाएगा क्लियर बेटा मैं ओके सर नन्हे बच्चों सबको बेटा और किसी को डाउट इस डेट पे राम एंट्री क्या करेगा बेटा कुछ भी नहीं क्योंकि राम का तो कोई कंसर्न ही नहीं है मैच्योरिटी डेट पे 4/4/2021 बेटा लॉजिक समझना 4/4/2021 पे बिल किसके पास पड़ा है जैनम के पास तो पैसा किसको मिलेगा बेटा जैनम को जैनम एंट्री करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल वो बिल दे देगा और सामने कैश ले लेगा 10,000 रुपए केयर बेटा में जैनम को पैसा मिल गया पैसा देगा कौन
राम एंट्री करेगा 4/4/2021 पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश 10,000 एंट्री किया बेटा इस डेट पर राज एंट्री क्या करेगा नो एंट्री क्योंकि बिल किसके पास पड़ा था जयराम के पास तो पैसा किसको मिलेगा जयराम को इसने पैसा दिया इसको पैसा मिला इसका तो कोई बीच में लेना देना है कंसेप्ट है बेटा सब लोगों को कोई कंफ्यूजन एंट्री में कंप्लीट करो बेटा चलो फोटो भेज रहा बेटा ग्रुप में डोंट वरी ओके सर
बेटा कंप्लीट हो गया सबका बच्चों, ऑल डन सबका हो गया बेटा आप लोगों का? यस सर, यस सर। चलो सम लिखेंगे बेटा सब लोग फटाफट, एक ऐसा लिखो, अनोखी सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीस, अनोखी सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीस 15,000 टू रुत्वी ऑन 10/1/21, ऑन 10/1/21 फुल स्टॉप, ऑन द सेम डे अनोखी ड्रू 4 months बिल on Ruthvi which she 4 months bill on Ruthvi which she accepted, which she accepted full stop. On 15/1/21, on 15/1/21 Anokhi endorsed this bill, Anokhi endorsed this bill to Prachi against dues of rupees 15,150 against dues of rupees 15,150 बराबर 15,150 full stop. On maturity bill was met, met मतलब complete हो गया, पूरा कर दिया, met बोलो, honored बोलो, बात एक ही है, ठीक है? फटाफट try करो बेटा, आप लोग try कर रहे हैं.
बेटा सबका कंप्लीट हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। यस। कोई ऐसा बेटा जिसका बाकी हो भी सम करना? चलो अनोखी, सबसे पहले अनोखी की एंट्रीज 10-1-21 रुत्वी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 15,000 सेम डेट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रुत्वी 15,000 बराबर। मैं अनोखी की बोलूंगा बेटा पहले सारी, फिर बिल कौन सी डेट पे दिया था बेटा 15-1 बराबर। 15-1-21 अनोखी एंट्री करेगी, बिल दिया है प्राची को, तो प्राची अकाउंट डेबिट है 15150 टू बिल्स रिसीवेबल 15,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 150 बराबर। अब रुत्वी एंट्री करेगी 10-1-21 पे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अनोखी 15,000 सेम डेट पे अनोखी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल 15,000 चार महीने के बाद, इसका मतलब के 13-5-21 वो एंट्री करेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश 15,000 हो गया बेटा, बिल्स पेबल टू कैश 15,000 अब प्राची एंट्री करेगी, प्राची सबसे पहले करेगी 15-1-21 पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 15,000 क्यों बेटा, पहले तो बिल आएगा ना प्राची के पास, पहले बिल आएगा तो बिल आने की एंट्री करनी पड़ेगी ना। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 15,000 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 150 टू अनोखी 15150 एंड 13-5-21 कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल 15,000 करेक्ट है बेटा सबका, किसी का गलत पड़ा बेटा कोई? बेटा आप लोगों ने किसी का भी एंट्री गलत पड़ा? डेट क्या थी प्राची के लास्ट वाले बुक्स के अकाउंट्स की? 15-5 13-5 मैच्योरिटी डेट बेटा, क्योंकि प्राची को मैच्योरिटी डेट पे पैसा आएगा ना बेटा बिल के अगेंस्ट में। हाँ 3 दिन ठीक है ओके। हाँ लिखो बेटा नेक्स्ट सम, नया टॉपिक होगा नहीं बेटा तभी, लिखो बेटा सम लिखो। स्टूडेंट्स पहले आप लोग रीजॉइन करो फटाफट बेटा, मीटिंग खत्म होने वाली, रीजॉइन करो फटाफट।